हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ठंडाई। ठंडाई गर्मियों में पीने वाला बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक है। तो चलिए इसे कैसे बनाएं बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ सामान है। ये पॉपी सीड्स हैं जिसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे रखा है, आप देख लीजिएगा। और ये है सौंफ, इसको भी रात भर भीगने छोड़ दिया था। और ये है किशमिश, किशमिश को भी रात को भिगोया था। ये देखिए अच्छी फूल गई है। और ये हैं डेट्स यानी खजूर, खजूर को भी भिगो लिया है, ये भी अच्छा फूल गया है। इनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, ये देखिए दिखाती हूँ आपको। ये इनके सीड्स निकाल दिए हैं और ये अच्छे फूल गए हैं। और ये मेरे पास हरी इलायची है, हरी इलायची को भिगो दिया था, ये भी अच्छी मोटी फूल गई है। और यहाँ पे है काली मिर्च, काली मिर्च को भी ये भी अच्छी भीग गई है, मोटी हो गई है। इसका फ्लेवर ठंडाई में बहुत ही अच्छा आता है, ये मस्ट है। और यहाँ पे है मेरे पास आमंड, करीब 1 से 1.5 कप आमंड है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ अब हम इन सारी चीज़ों को पीसेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें जैसे काली मिर्च है, पॉपी सीड्स है, सौंफ हैं और इलायची, इन सबको सबसे पहले हम लोग पीसेंगे। ये देखिए, ये है हरी इलायची और ये सौंफ। ये सारा चीज़ों को पानी सहित ही पीसना है, इनका पानी को नहीं निकालना है, ड्रेन नहीं करना है। पानी जो भी जिसमें भिगोया है उसी पानी में ही हमें पीसना है, नहीं तो सारा फ्लेवर चला जाएगा। इसको अच्छा पेस्ट, बारीक पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इसे निकाल लिया है। और अब इसी जार में हम ये किशमिश और ये डेट्स खजूर इनको पीस लेंगे। इसको भी अच्छा महीन पीस लेना है, बारीक एकदम। ये देखिए ये भी अच्छा पीस गया है, इसे भी हम उसी कंटेनर में डाल लेंगे। अच्छा बारीक पेस्ट है। अब लास्ट में हम ये बादाम हैं इनको हम पीसेंगे। इन बादाम को हम ठंडाई में पीस के बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ लोग दरदरा खाना या पीना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसे इसी में ही मिक्स कर लेंगे और इसको छानेंगे। और जिसको थोड़ा दरदरा मुँह में आना पसंद है उसके लिए ये है कि इस पेस्ट को हम ठंडाई में लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस पेस्ट को इसी में ही मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए ये अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम छानेंगे, और छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हरी इलायची के भी जो छिलका है वो है और सौंफ है, तो ये कुछ ज़्यादा ही मोटा मोटा हो जाता है, जो कि ठंडाई पीते में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए सारा हमने पेस्ट को छान लिया है और ये मोटा मोटा रह गया है। इस मोटे पेस्ट को भी 5 से 6 बार पानी में जितना हो सके, आपको लग रहा है कि जितना हो सके निकाल लीजिए। यहाँ मेरे पास है 4 गैलन दूध है, ये आप फुल क्रीम लेना चाहे फुल क्रीम ले लीजिए, मैंने टोंड लिया है। ये करीब मेरे पास 1.5 गैलन के करीब मिक्सचर रेडी हो गया था, इसमें मैंने 4 गैलन्स मिल्क डाला है, तो यानी कि 5.5 गैलन्स ये मेरे पास लगभग ठंडाई रेडी हो गई थी। ये देखिए यहाँ मेरे पास थोड़ा सा कंडेंस मिल्क है, करीब 200 ग्राम्स की एक बॉटल है जो कि मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए इसलिए डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप शुगर लीजिए, आपको कितना शुगर ज़्यादा अच्छा लगता है कम अच्छा लगता है, आप स्वादानुसार चीनी इसमें मिक्स कीजिए। और इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, इसको हमेशा चिल्ड ही रहने देना है। इसे मिक्सचर को बनाइए, ये बॉटल्स में भरिए और फ्रिज में रख लीजिए। ये देखिए मेरी
दोबारा से बॉटल्स फिल कर दी हैं और इनको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। जब भी आप पिएं, इसे फ्रिज से निकालें और पिएं। थैंक यू सो मच।